व्हाट्सएप पे बहुत से रोजाना कोई 2000-3000 व्हाट्सएप पैगाम आते हैं पाकिस्तान से, ज्यादातर गाली गलौज पर, साजिशों पर, कत्ल की धमकियां और फलाना। उनमें से कई सैयद रूहें भी होती हैं जो हक को जानना चाहती हैं। अब उन सैयद रूहों की तलाश में ये 2000 या 3000 व्हाट्सएप देखने पड़ते हैं। तो मैंने, क्योंकि क्रिसमस का वक्त है और जो हमारे मेंबर हैं उन्हें उनके शहरों में मुझे मिलना होता है और सवालों जवाब होते हैं, फिर ये क्रिसमस के वक्त में वो दावतें देते हैं जिनमें इखलाकी तौर पर जाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि कहा गया है कि ना यूट्यूब पे कुछ आ रहा है ना आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो वक्त निकाल के आज कुछ सवालों के जवाब जो मियारी हैं उनको, उनका जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल जो किया गया है वो ये है कि क्या नबी आ सकता है अगर हम तौरात, अंजील और कुरान का गहरे तरीके से मुताला करें तो नबी के ना आने पर कोई भी आयात नहीं उतारी गई, ना सवाल उठता है, बल्कि अल्लाह की जात इंसानियत को तंबीह करती है। अब क्योंकि मेरी किताबें नहीं पढ़ी जा रही तो कुरान से समझाना पड़ता है। यूरोप में लोग इतने आगे आ गए हैं कि वो तौरात, अंजील से मुझे नहीं परखते पूरे शऊर के साथ, पूरी अक्ल व फहम के साथ सवाल करते हैं, जब जवाब मिलता है तो कायल हो जाते हैं और मान लेते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। तो कुरान के अंदर खुदा ताला तंबीह करता है, बल्कि वार्निंग की सूरत में इंसानियत को बताता है कि ऐ आदम की औलाद फिर कभी रसूल आए और वो हमारा कलाम पेश करें, या वादे कर दिया गया हमारा कलाम पेश करें, अपनी शेर व शायरी नहीं, अपने किस्से बयान ना करें, हमारा कलाम पेश करें। मुराद ये है ऐसी मार्फत का पैगाम लेके आए जो तुम्हें खुदा से नसीह करते हैं, तो तुम्हें उनकी एतात वाजब है, लाजमी है, फर्ज है। अगर तो वो शख्स झूठा है तो उसने झूठ तुम पे तो नहीं बोला, उसने झूठ उस खुदा पर बोला है, तो उसका झूठ का बवाल भी उस पे पड़ेगा।
और अगर तुम किसी झूठे नबी को मान भी लोगे तो तुमसे खुदा ताला ये नहीं पूछेगा कि तुमने उसको क्यों नहीं सही आजमाया। तुम्हें जाने दिया जाएगा जंतु में और तुम्हारा बवाल भी उस नबी पे पड़ेगा जो झूठा है। तो कुरान जो कह रहा है वो बता रहा है खुले खुले तरीके से, जब वो हमारा कलाम पेश करें, हमारी बातें बताएं, तो तुम उनकी इताअत करना। अब आने वाला जो नबी है वो पुरानी बातें तो नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह किया करो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, वही बातें तो नहीं दोहराएगा। वो तुम्हें उम्र की वक्त के उम्र के हिसाब से नई तालीमात देगा और उस तालीमात को के अंदर क्या होगा, सुकून होगा। खुदा ताला का तुम्हें खबर होगी, तुम्हारी मार्फत इलाही बढ़ेगी, तुम्हें वो तालीम जो नहीं है खुदा के नजदीक कर देगी। वो तुम्हें आके ये तो नहीं कहेगा कि तुम गन खाना शुरू कर दो, तो तुम्हें जो मिलेगा फिर जो जंतों में मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में मिल जाएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें खौफ और गम से निजात दे दी जाएगी, उसके बदले तुम्हारे दिल पर सुकून आ जाएगा। अब सुकून जो है वो खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हें मोहब्बत इलाही की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोल दी जाएंगी ताकि तुम उन जंतों में वो फल चख लो थोड़ा थोड़ा, जो तुम मौत के बाद चखोगे हमेशा के लिए, तो तुम्हें याद आ जाएगी कि ये फल तो हम पहले भी चख चुके हैं। तो उसका इनकार किया का उसके इनकार की हालत में क्या होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, साजिशें, चार कातलाना हमले हो चुके हैं, मुझे अदालतों में घसीटा जा रहा है, मेरी किताबें अदालतों में बंद कराई जा रही हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में बंद नहीं होती, मुसलमान मुकदमा हार जाते हैं क्योंकि यहाँ ख्याल की आज़ादी है, मज़हब का कोई जोर नहीं है गवर्नमेंट के कामों में, जमहूरियत के कामों में। लेकिन जब अगर तुम ये करोगे मेरे साथ, मेरा जीना हराम कर दोगे, मेरे खानदान के पीछे पड़े हुए हो हाथ धो के, तरह तरह के मंसूबे, तरह तरह की साजिशें करते हो, तो वो जो मैं कह रहा हूं तालीमात जो तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैंने दो किस्तों में पहले बता दिया था, मेरा इनकार करके पाकिस्तान का जो बकिया कुछ है वो भी जाएगा। मेरा इनकार करके पाकिस्तान में किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी तरक्कियां हुई हैं उनकी बुनियाद जो थी वो रूहानियत थी। जितने भी इनकलाब आए हैं मजहब से शुरू हुए, अगला कदम रूहानियत थी
और जितने भी अजाब आए हैं वो जब नबियों का इनकार किया गया, उन्हें दुख और तकलीफें दी गई, उनके कत्ल के दर पे हो गए, तो वो जो मैं फिर वादा वही दे रहा हूं, इस मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, फिर उसमें कोई शक नहीं। कोई मुल्लाइज्म इस पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, कोई जमहूरियत का मंसूबा इस पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। तो खुदा का खौफ करें, नबी आ सकता है, तालीमात से पता लगता है, आएगा या नहीं आएगा, वो जब पता चलेगा, जब आने वाला ये कहेगा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, तुम्हें क्या पता उसका मामला खुदा से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और वो खुले खुले तौर पे तुम्हें बता रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूं और ये तालीमात लेके आया हूं। ये सवाल का जवाब है कि नबी आ सकता है और एक अल्लाह का रसूल तुम्हारे सामने सवालों के जवाब दे रहा है। उसे खुदा ने अपना दिल बना के भेजा है। फिर ये दूसरा सवाल है उसे परखने का, परखा कैसे जाए। इस सवाल का जवाब मैं अभी दे चुका हूं, लेकिन कुरान भी इस सवाल का जवाब दे रहा है कि वो तुम्हें खुशखबरी देगा, आने वाला जो है खुदा की तरफ से वो खुदा की बात करेगा, ऐसी मार्फत इलाही तुम्हारे सामने रखेगा जो पहली किताबों में नहीं होगी। तुम्हारी रूहानियत को वो और आगे लेके जाएगा ताकि तुम उस ना दिखाई देने वाले खुदा से मिलो। अब अगर तुम खुदा के होते तो फिर मेरी किताबें पढ़ते, क्योंकि जो खुदा का होता है खुदा की बात सुनता है, जुस्तजू करते, जानना चाहते कि ये क्या कह रहा है, ये शख्स खुदा की तरफ से आया है, ये कौन सा पैगाम है, इसमें इंसानियत की क्या भलाई है, इसमें मेरी रूह की क्या भलाई है, मेरी मार्फत इलाही आने वाली जिंदगी की क्या भलाई है। तो आप यूं देखते, इसलिए थोड़े थोड़े सवालों के जवाब क्या दिए जा रहे हैं। मेरी जो किताबें हैं उसके तीन हिस्से किए जा सकते हैं। कितने हिस्से? तीन। खुदा की बादशाहत वो निजाम क्यों नहीं आया जिसका वादा खुदा ने दिया है? वो निजाम जिसका वादा दिया है वो वक्त आ पहुंचा है और वो तालीमात खुदा ने मुझे दी है कि जमीन नेक लोगों के वारिस हो जाएगी, मोहब्बत इलाही ऐसे इंसान आ जाएंगे जो खुदा की मोहब्बत इलाही में होंगे। अब वो नेक लोग कौन होंगे? इंतहा पसंद होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान होंगे सिर्फ? हरगिज नहीं। वो ईसाइयों में से भी होंगे, वो यहूदियों में से भी होंगे, वो सितारा प्रस्त में से भी होंगे, हिंदुओं में से भी होंगे, बुद्ध में से भी होंगे, कन्फ्यूश में से भी होंगे, और बनी इसराइल में से भी होंगे,
तो जूं जूं वो लोग आगे आते जाएंगे, मजहब की दुनिया खत्म होती जाएगी। तो ये सवाल का जवाब है कि जमीन मोहब्बत करने वालों के नाम करती जाएगी, खुदा के इनामात जो है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, नबी भी आते रहेंगे, सदीक भी आते रहेंगे, शहीद भी आते रहेंगे। जब मैं शहीद कहता हूं तो मुझे थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ जाती है। शहीद से मुराद जो है वो लोग हैं जो तक्वे में सफर करके आगे आते हैं और दूसरे दर्जे का तक्वा तरक्की करते हैं, फिर तीसरे दर्जे की तक्वे में तरक्की करते हैं मार्फत इलाही में, और अपनी जिंदगियां खुदा के वक्फ कर देते हैं। इन्हें शहीद कहा गया है। बम मारना, पत्थर मारने, किसी का जीना हराम कर देना, जैसे आजकल हो रहा है, बेकसूर इंसानों को कत्ल कर देना, ये शहीद नहीं है, ये जहन्नमी है, इंतहा पसंद है, ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनकी रूहें काली है। हरगिज ये लोग शहीद नहीं है जो मजहब के नाम पर दूसरों को कत्ल करते हैं। जो असल तारीख में कुरान भी कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, ये इंसान का खुला खुला अपना मामला है कि अपने दिमाग की खुशी, अपने दिमाग की आज़ादी से, अपने शऊर की आज़ादी से, अपने ज़मीर की आज़ादी से और दिल की आज़ादी से और रूह की आज़ादी से अपने लिए एक फैसला करे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, जो भी वो फैसला करे, ज़िंदगी का मद्दाह जो है वो खुदा तआला की ज़ात होनी चाहिए, ये पैगाम है। तो इस सवाल का ये जवाब है जो मैं मुख्तसर दे चुका हूं। दूसरा सवाल किया गया है, तकदीर क्या है? ये भी एक अच्छा सवाल है और इसको समझाने के लिए थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी। अगर हम यूं समझ लें कि तकदीर जो है खुदा की तकदीर नहीं बदलती, चाहे इंसान कितनी कोशिश कर ले, वो तकदीर के फैसले अपने से नहीं हटा सकता, तो मेरी किताबें तो अभी आपने पढ़ी नहीं है, फिर वही आ जाता है कि सर, तो फिर हम चलते हैं तौरात अंजील और कुरान की तरफ। अबू बुखारी की, इमाम बुखारी की एक हदीस है, जब बंदा खुदा से राजी हो जाता है और खुदा उससे राजी हो जाता है तो वो उसके कान बन जाता है, उसकी निगाहें बन जाता है, उसकी सुनाहट बसारत उसका दिल बन जाता है, तो वो अल्लाह की ताकत से सुनता है, अल्लाह की ताकत से देखता है, जो कुछ उस पर बीतती है दिल पर वो अल्लाह की मार्फत में देखता है। जब ये चीजें उस बंदे में आ जाती हैं तो उस बंदे पे तकदीर हावी नहीं हो सकती।
उसकी वजह बता देता हूं आपको। अगर ऐसे बंदे पे तकदीर वाजिब हो जाए तो फिर खुदा पे भी इतराज आ जाएगा कि वो भी तकदीर की गर्दिश और चक्कर से नहीं निकल सकता। अब खुदा पे तो कोई तकदीर नहीं है, खुदा तो कहता है वो जो चाहता है करता है, हर चीज पे कादिर है, ये आपने सुना ही हुआ है, कुल्ली शय कदीर, इन अल्लाह कुल्ली शय कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। तो जो हर चीज पे कादर है उस पे तकदीर आप कैसे लागू करेंगे? और जो बंदा चाहे वो नबी हो, सदीक हो, सोलहीन हो, उसमें जब वो खसूसियात आ गई जो खुदा के अंदर है तो उस पे आप तकदीर लागू कैसे करेंगे? फिर खुदा कहता है कि उसके पास ये ताकत है, कुन कहे फयाकुन, हो गया, हो जाता है। इसको समझाना है, इसको भी समझाना पड़ेगा, ये कुन हो जा, फयाकुन हो जाता है। इन दो अल्फाजों के दरमियान में फासला है और वक्त है। जैसे बाइबल तौरात का बाब पदाइश में बताता है कि जब खुदा ने तखलीकात शुरू की, शाम हुई, रात हुई, सुबह हुई, शाम वो वक्त था जब उसने काम शुरू किया कि अंधेरों में रोशनी तख्लीक कर दे, ये पहला प्रोसेस शुरू हुआ। रात वो वक्त था कि उसे इंतजार करना पड़ा, जैसे आप बीज लगाते हैं, पानी देते हैं, पौधे की नशो नुमा करते हैं, फिर वक्त दरकार होता है उस पौधे को बढ़ने में, तो फिर खुदा को इंतजार करना पड़ा। सुबह का वक्त बाइबल कहती है सुबह हुई, तो सुबह का वक्त जो है वो ये है कि वो काम अपने अंजाम को पा गया। तो तीन दौर है, शाम, रात, सुबह। खुदा ने रोशनी को देखा और कहा रोशनी अच्छी है। जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये नेक लोगों की दुनिया नहीं है, ये शरीर और शैतानी लोगों की दुनिया है। इस दुनिया में आजमाइशें भी आती हैं, बाद वक्त लगता है कि मोमिन बनने पे तकदीर भी उसके खिलाफ हो गई है और यूं लगता है कि जैसे इस दुनिया में मोमिन की जिंदगी जैसे अंगारा अपने हाथ पे रख लिया। इसके बावजूद ना शरीर ना शैतानी लोग कामयाब होते हैं, मुस्तकबिल में जो तकदीर का फैसला होता है वो कुलिया तन जो है वो उस मोमिन की सूरत में होता है। और खुदा खुद कहता है मैं और मेरे रसूल खालिब आएंगे, ये फैसला हो चुका है, और मैं तईब को मुमताज करूंगा, किसे? खबीस से। तो तकदीर के अंदर जो मसाइल आते हैं वो ये हैं कि
ना खुदा ताला की जात किसी इंसान पर ये तकदीर मुसल्लत करती है कि ये शैतान है, इसका ठिकाना जहन्नम हो गया है, जो कुछ चाहे करता फिरे इसने जहन्नम में जाने जाना है। ना खुदा की तकदीर ऐसी है कि वो फैसला करे कि ये जन्नत ही है, चाहे सारी जिंदगी गंद खाता रहे लेकिन आखिर में इसने जन्नत जाना। नहीं, तकदीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक इंसान को आजादी दी गई है, दूसरे उसको अमल की तौफीक दी गई है। जो चाहे तकदीर वो अपने लिए चुन ले। जैसे इकबाल का भी शेर मुझे याद आ गया, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो तकदीर के मसाइल हैं ये इंसान के हाथ में है। इसका थोड़ा सा आखिरी मजमून में बयान करके अगले उस पे चलता हूं सवाल पे। ईसाइत इस चीज को मानती है, चाहे ये तालीम कितनी गलत है। मैंने इस किताब में खुदा के हुक्म से बताया है बहुत सी तालीमात और यूरोप के लोग पढ़ रहे हैं। ईसाइत कहती है कि ईसा इब्ने मरियम, जिसे आप ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, वो क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट। मैं उसे ईसा इब्ने जकरिया कहता हूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पे ये राज खोल दिया है कि उसका बाप जकरिया था। वो कहते हैं कि ईसा जो जीसस क्राइस्ट है, यसु मसीह है, वो क्रॉस पे चढ़ने के लिए आया था। ये उसकी तकदीर में लिखा हुआ था ताकि वो अपना खून बहा के हमारी नजात बने और हम उस पे यकीन लागे कि वो क्रॉस पे हमारी वजह से चढ़ा है। जो भी यकीन करेगा वो हमेशा की अपनी जिंदगी पाएगा। ये ईसाइत का अकीदा है जो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन थोड़ा सा और भी बता देता हूं ताकि तकदीर का मसला हल हो जाए। जब यसु मसीह नासरी ने अपना मिशन शुरू किया कि मैं मसीह हूं, तो उसने कहा कि खुदा की बादशाहत का जमाना आ गया है। खुदा की बादशाहत का जमाना आ गया है, तौबा करो, रिपेंट योरसेल्फ। एक ये उसने कहा। दूसरे जब उससे पूछा गया हम क्या करें कि वो खुदा की बादशाहत का जमाना जो तू कहता है शुरू हो गया है, उसने कहा मुझ पे ईमान लेके आओ, मुझ पे यकीन करो ताकि वो खुदा की बादशाहत आ जाए। खुदा की बादशाहत का निजाम जो है ये नहीं कि खुदा शहंशाह है, नहीं, वो पहला बीच दिल पे पड़ता है, फिर इंसान कामिल होता है, फिर उस इंसान कामिल से खानदान शुरू होता है, फिर इमारत आगे जाती है, उस कामिल खानदान से सोसाइटी बनती है जिसके अंदर अंग अंग में खुदा की जात है, फिर उस सोसाइटी के अंदर से एक कौम निकलती है जो खुदा की होती है, फिर उसी कौम और मिल्लत पे पूरी दुनिया जो है उस रंग में आ जाती है जिसे खुदा का रंग कहा जाता है। अब उसने बता दिया खुल के, फिर जब
جب انہوں نے سازش کی، قتل کی دھمکیاں دی، قتل کی کوششیں کی، پتھر مارے، اسے پتھر مارے، اس کا جینا آرام کر دیا، تو میتھیو میں وہ کہتا ہے او فارسی ان صدوقی، اس وقت فارسی صدوقی تھے، اس وقت سنی شیعہ بریلوی وہابی یہ سب ہیں، اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بیفور مین، تم خدا کی بادشاہت کا جو نظام ہے وہ انسان پہ بند کر رہے ہو، یو ڈو ناٹ انٹر بائی یور سیلف اینڈ یو ڈونٹ لیٹ انٹر ادر پیپل. اب کیونکہ یہ علماء یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے انتہا پسند ہیں، نہ تم خود ایمان لے کے آتے ہو، نہ تم خود اس بادشاہت کے اندر داخل ہوتے ہو، اور نہ تم ان کو داخل کرنے ہونے دیتے ہو، یعنی کہ ڈکا لگا کے بیٹھ گئے ہو. وہ لوگ جو تمہارے اثر میں ہیں، تم نے ان کا وبال بھی اٹھا لیا ہے. یہ کہا اس نے. اب یہ کہاں کہہ رہا ہے تقدیر کا فیصلہ، جیسے عیسائیت کہتی ہے کہ میں کراس پہ مرنے کے لیے آیا ہوں. اب اس تقدیر کے فیصلے کو لے کے پیچھے جاتے ہیں یسایا نبی کی طرف. یسایا نبی جو ہے وہ دو نبوتیں کرتا ہے ایک مسیح پہ، ایک مسیح پر دو نبوتیں کرتا ہے. ایک نبوت یہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ جائے گا اس مسیح سے، یہ زمین برکتوں سے نعمتوں سے پھوٹ پڑے گی، ہر انسان خدا کو جانے گا، اس کا رشتہ ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ وہ بہت کچھ کہتا ہے. پھر کچھ آگے چل کر وہ کہتا ہے دوسرے باب میں کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ کراس پہ چڑھ کے مر جائے گا. یہ دو نبوتیں ہیں. اس تقدیر کے اندر ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ انسان کی ہے. میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو، وہ تقدیر اس کے لیے ویسی ہو جائے گی. اب چونکہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے جو چنی ہوئی قوم تھی، سازش کی، پتھر مارے، اس کا جینا حرام کیا، پھر اس کو کراس پہ کراس پہ بھی چڑھا دیا، تو وہ نبوت پوری ہو گئی جو وارننگ کے طور پہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے انکار کیا تو کیا ہوگا. تو وہ نبوت تو پوری ہو گئی، کراس پہ چڑھ گیا. اب عیسائیت جو ہے اس کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے لیے آیا تھا. اگر وہ مرنے کے لیے آیا تھا تو اتنی شروع میں جو اس نے مشن شروع کیا وہ تو خدا کی بادشاہت کی منادی کر رہا ہے. وہ تو بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم پہ خدا کا غضب ہوگا اگر تم میری بات نہیں مانو گے. وہ تو مولویوں کو اپنے وقت کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اثر میں ہے قوم، ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا. وہ تو وارننگ دے رہا ہے. تو جو پہلی تقدیر تھی وہ یہ تھی کہ قوم اس کو مان جائے، مان جاتے پھر خدا کا نظام آ گیا تھا، پھر اس کے بعد مذہب کی ضرورت نہیں تھی، نہ عیسائیت آتی نہ اسلام آتا، کیونکہ مذہب کو شروع کرنے والا وہ شخص ہے جس کا نام سول تھا، وہ بعد میں پول بنا. یہ سول وہ ہے جو شریعت پہ چلتا تھا، موسوی شریعت پر، موسیٰ کے عشق میں مبتلا تھا. اس نے پورا پروگرام بنا کر یسوع ناصری مسیح کو کراس پہ چڑھایا.
फिर बाद में इसको इस्तेमाल किया गया, इससे ईसाई शुरू हुई। तो आप अंदाजा लगा लें तकदीर में क्या लिखा हुआ था। अब थोड़ा सा पीछे आ जाए ताकि मैं मुकम्मल कर लूं तकदीर का मसला। आदम को कहा गया, जैसे पैदाइश में है, कि इसका फल ना खाना जो ये बीच में दरख्त है, और फलों की इजाजत दे दी। आप जो उसने नाफरमानी की, कुरान में भी लिखा हुआ है कि उसने नाफरमानी की और वो सच्चे रास्ते से भटक गया। अब जो तकदीर उस पर वारिद होती है वो तकदीर नहीं है जो खुदा चाहता है। तो रात में भी है पैदाइश के बाब में कि आदम और हवा, सुबह का वक्त था, मौसम बड़ा इतदाल था, जन्नत जैसा माहौल था, जब तक उन्होंने नाफरमानी नहीं की खुदा उन्हें दिखाई देता था, सुबह के वक्त चहलकदमी करता था। और खुदा ने बता दिया था कि जिस दिन तूने ये नाफरमानी की तू मरा, या ये नहीं कहा गया कि तू मर जाएगा, तू मरा, ये बाइबल के अल्फाज हैं। अब उसने नाफरमानी की और बाइबल के मुताबिक, तौरात के मुताबिक वो 900 साल जिंदा रहा, तो वो जिस्मानी मौत तो ना हुई, क्योंकि खुदा ने तो ये कहा था कि फौरन मर जाएगा। तो पता लगा कि वो रूहानी मौत थी, उसका रिश्ता जो है वो खुदा ताला से कट गया। अब जो तकदीर आदम पे वारिद हुई ये जवाल है, खुदा की फरमा बरदारी करता तो वो तकदीर वारद होती कि वो जो चाहता उसके लिए हो जाता। ये दो तकदीरों के मसले हैं। अब खुदा सुबह सुबह आवाजें मार रहे हैं, ए आदम तू कहां है? तो ईसाई ये कहते हैं कि वो छुप गया था। भाई जिसने कायनात बनाई है उसे हर चीज की खबर है, उसे ये नजर नहीं आ रहा कि आदम कौन से दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। तो पता लगा, जिस्म की तो खबर थी आदम के कि वो कहां पे है, उससे जो मार्फत इलाही का जिंदा ताल्लुक था वो खत्म हो गया था। तो तकदीर का मसला खुदा के साथ, फिर वो तकदीर यूं चलती है जैसे कामिल इंसान चलाता है। और जब हम दूर हो जाएं, भटक जाएं, नाफरमान हो जाएं खुदा के, तो फिर वो तकदीर होती है जिसमें जवाल आते हैं, बीमारी आती हैं, हादसात होते हैं, मुसीबतें आती हैं, सुकून खत्म हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, पूरी जिंदगी फिर दुखों और तकलीफों में गुजरती है। एक पल हंसना, एक पल रोना, फिर ये मुसीबतें हैं। तो तकदीर जो है खुदा की वो कामिल इंसान पे यूं होती है जैसे वो चाहे। और वो तकदीर जो है जब इंसान खुदा की बात नहीं मानता, नाफरमान हो जाता है, अंधेरों की तरफ आता है, तो फिर उस पर जो तकदीर वारद होती है उस पर वो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। तो जो अब खुदा ने मुझे रसूल बना के भेजा है, उसने कहा मेरे दिल की तर्जमानी कर, इस
जमीन के वारिस जो है वो मेरी मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, उनमें नेक लोग ईसाइयों में से भी होंगे, मुसलमानों में से भी होंगे, यहूदियत में से भी होंगे, बनी इसराइल में, बुद्ध में, जैन में, कन्फ्यूशियस, वो सब मजहबों से लोग निकल निकल कर खुदा का रंग इख्तियार कर लेंगे, खुदा का नजरिया और खुदा की दुनिया आ जाएगी और मजहब पीछे रह जाएंगे जैसे गुब्बारा फट जाता है। और खुदा ने यहां यह भी बता दिया है, तकदीर का मसला उसने खुद हल कर दिया कि दौड़ो उस नए जंतों की तरफ, मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूं, दौड़ो उस जंतों की तरफ जिसकी कीमत नया आसमान और नई जमीन है। मुराद यह है कि वो नया आसमान जो है खुदा की अच्छा, खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी, खुदा की मर्जी पूरी हो जाएगी, ये मुराद है नया आसमान। नई जमीन, जमीन से मुराद ये होगी कि वो कामिल इंसान आ जाएगा, नया इंसान आ जाएगा जो खुदा का दिलो जान से खुदा के साथ होगा, उसका ईमान, उसकी फरमाबरदारी, उसकी मोहब्बत का नाता चोली दामन का खुदा के साथ ऐसे होगा जैसे खाल और हड्डियां इकट्ठी हो जाए। ये वो मजमून है तकदीर का। तुम अपने कामों के लिए जब दौड़ते हैं तो वो काम नहीं होते, तो तकदीर के ऊपर इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदा की मार्फत की तरफ नहीं दौड़ते ताकि ये तकदीर का मसला हल हो जाए। आखिरी सवाल, सवाल तो और हैं लेकिन आखिरी सवाल पे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है। आखिरी सवाल ये है कि अब अगली शरीयत क्या होगी, अगली शरीयत क्या होगी? ये शरीयत की जो पंड है इसको समझाना भी बड़ा ज़रूरी है। मूसवी शरीयत और मोहम्मदी शरीयत आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे जुड़वा भाई हों, एक माँ के पेट से ही दो बच्चे पैदा हों, लेकिन मूसवी शरीयत के बाद यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और वो शरीयत की बजाय खुदा के निजाम की बुनियाद रखते हैं, खुदा की बादशाह की बुनियाद रखते हैं और उनके दौरान ही जो वाकिया रूनमा हुआ उसकी शहादत बाइबल में भी है, अंजील में, उन्होंने शरीयत को मानने से इनकार कर दिया। शरीयती फैसला जो मूसा की शरीयत थी उन्होंने अमल ही नहीं किया। हुआ यूं के बनी इसराइल यहूदी ये भी ऐसे शरारती थे जैसे आज के मुसलमान हैं, शैतान घुस गया है इनके अंदर, इनके मौलवियों में, इनके सियासतदानों में, इनके अपने अंदर शैतान घुसा हुआ है और ये वही हरकतें करते हैं जो यहूदी किया करते थे। ये परखने के लिए कि ये मूसवी शरीयत पे चलता है कि नहीं चलता, कहा है उस्ताद, उस्ताद कहते थे रबी, ये औरत और ये आदमी इन्होंने जिना किया है, अब तू क्या कहता है, चाल चली ना, देखना ये है जैसे मुझ पे ले ये मंसूबा बना के आ जाए, देखना ये है कि मैं इस्लाम की शरीयत को मानता हूं कि नहीं मानता, ये चाल थी।
तो अब बता तू कि इस पे क्या लागू हो सका। ईसा अलैहिस्सलाम कोई बेवकूफ शख्स थोड़ी थे, अल्लाह के मसीह थे, रसूल थे। उनको पता लग गई कि ये परखना ये चाहते हैं कि मैं मूसवी शरीयत पर अमल करता हूं कि नहीं करता। बात इतनी थी। तो सर झुका के काफी देर तक उंगली से मिट्टी में लकीरें मारते रहे, मतलब ये कि सोचते रहे होंगे क्या जवाब दूं। अगर ये कहता हूं कि मुझसे भी फैसला नहीं करता शरीयत का, तो ये कहेंगे तू तो मानता ही नहीं, ऐसे मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो काफी देर लकीरें मार के जमीन पर उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह या खुद जिना ना किया हो, जिसने खुद गुनाह ना किया हो। वहां सारे गुनाहगार खड़े हुए थे, तो पत्थर किसको मारते हैं? अपने आप को। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले गए और ये भी मालूमात ले गए कि ये शख्स जो मसीह होने का दावा करता है ये मूसवी शरीयत पे नहीं चलता। वो मूसा को यूं ही मानते थे और मूसवी शरीयत को, जैसे जो मुस्लिम हैं मुसलमान वो मोहम्मद मोहम्मद अरबी रसूल के इश्क में गिरफ्तार है। बिल्कुल यही थे, यानी कि बड़े मियां और छोटे मियां। सुभान अल्लाह। तो ईसा इब्ने मरियम ने, जिसको मैं ईसा इब्ने जकरिया कहता हूं, उस शरीयत को मानने से इनकार कर दिया। वो इंसानियत की बात करता है, वो खुदा की बादशाहत की बात करता है और एक ऐसे निजाम की बुनियाद रखता है जो माफी पे हो, रहम पर हो। ये इस बात को याद रखिए, माफी पे हो, रहम पर हो और मोहब्बत पे हो। अब ये तीन निजाम की जो इब्तदा है ये जमहूरियत है। जमहूरियत में गुंजाइश होती है कि अगर किसी ने पहला जुर्म किया है तो उस पर नजरसानी की जाती है, आदि मुजरम को सजा दे दी जाती है। पहला केस हो तो रहम माफी की भी गुंजाइश है। तो ये इस निजाम की वो बुनियाद रखना चाहता था। और ये तालीमात जो थी पहले, फिर बाद में रोम में भी गई है, अगर जिंदगी में होता तो जिंदगी में चली जाती। अब चूंकि उसने अपनी खुद मौत की बात शुरू की, मिशन छोड़ गया जो मेरी किताब में लिखा है, रोम की तरफ खुदा ने कहा था, वहां जाने की बजाय कश्मीर में चला गया। वरना कश्मीर, रोम का जो निजाम था, अगर ईसा जो मसीह है रोम चला जाता तो उनका निजाम की अक्सर बातें वो थी जो आज हमारी जमहूरियत की है। वो मजहब के नाम पर किसी को सजा नहीं देते थे, ख्याल की आजादी थी। बहुत सी चीजें उस वक्त रोम के निजाम में वो थी जो आज जमहूरियत में है। थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता। अच्छा, वो निजाम जो, वो तो चला गया कश्मीर, तो फिर 296 साल जुल्म होते रहे ईसाइयत पे। भाई देखे ना, जब वो जिसको जो चक्की का वो था हक, वो ही चला गया, उस पर ही उसके साथ ही आई थी ना बादशाहत। और पॉल जो था उसने फिर दूसरा मजहब शुरू किया। ये पॉल वो है जिसे साउल कहा गया है,
जिसने ईसा को अदालत तक पहुंचाया और उसे सजा दिलवाई, फिर बाद में वो बदल गया, आधी आधा क्या कहते हैं तीतर आधा बटेर, मूसा का कुछ लिया कुछ ईसाइत का लिए, उसने नई तालीम मिला के उसने ईसाइत मजहब शुरू हो गया। इसकी तफसीलात वो कैसे हुई, जिब्राइल ने कैसे करवाया, उस पॉल से मेरी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। अब 575 साल के बाद मोहम्मद अशीफ लेके आते हैं, कुजा के वो शुरू करें ईसा की तालीम से, उन्होंने छलांग मार के फिर पीछे चले गए, पीछे छलांग मार के मूसवी शरीयत को वो अपने दौर में लेके आए। अब वो जो बीच में तालीमात थी ईसा अलैहिस्सलाम की, अगर वो लेके चलते तो दुनिया आज कुछ की कुछ होती, फिर तो मूसवी शरीयत निजाम जो है वो खत्म हो गया था। अगर ईसा का निजाम ईसा की तालीम लेके चलते, उन्होंने पीछे जाकर फिर वहीं से शुरू कर दिया जो 2000 साल पहले मुस्लिम निजाम आया था, वो निजाम फिर ले आए। लिहाजा जो रूहानियत की तालीमात थी वो पीछे को चली गई। अब एक वाकया है, बिल्कुल यहूदियों ने शरारत करके ऐसा ही किया जैसे ईसा के साथ किया था। वो मोहम्मद के पास ऐसे एक औरत एक आदमी को लाए और कहा कि तू तो दावा करते है अल्लाह का रसूल है, तो इन्होंने जिना किया है, इसकी सजा क्या है। अब ईसा को भी पता था कि उसकी सजा जो है वो पत्थर है जानी की। अब यही मुकदमा देखें 575 साल बाद वो मोहम्मद के पास पेश कर रहे हैं। अब मोहम्मद जो रसूल है वो कहते हैं कि मैं शरीयत पर सबसे ज्यादा अमल करने वाला हूं, और फिर सजा दी, दोनों को संसार करा दिया। एक जो है वो रसूल वो माफ कर रहा है और कह रहा है पहला पत्थर वो उठाए जिसने गुनाह नहीं किया, और एक कह रहा है कि मैं मूसवी शरीयत पे अमल करने वाला हूं। यहां से तो फर्क वाजे हो गया है। फिर अगर उस दौर में मैं होता तो मैं पूछ लेता कि ए अल्लाह के रसूल तेरी तो दोनों बीवियां हैं, फिर उससे आगे इजाजत और ली कि जो औरत चाहे वो हुब्बा कर सकती है, मुझे मेरे साथ रात बसर कर सकती है। तो अंस की कोई बेटी थी साहबी की, वो घर आई और उन्होंने कहा कि आज एक औरत अपने आप को पेश कर रही थी कि मेरे साथ अगर जरूरत है तो मैं सोए। इंग्लिश में टुडे कहते हैं वन नाइट स्टैंड बाय, जर्मन में कहते हैं आबन थोया। तो कितनी उसमें शर्म की जत्ती बरनी थी कि वो अपने आप को पेश कर रही थी कि मेरे साथ सोना है तो मैं अपने आप को पेश करती हूं। जब बाप ने ये सुना जो साहबी था अंस, उसने कहा वो तुझसे अच्छी है, ये भी इमाम बुखारी की हदीस है, वो तुझसे अच्छी है कि अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए पेश कर रही थी और सोना चाहती थी। तो मेरे पास अगर 9 बीवियां और फिर मुझे औरतें भी पेश हों, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा काम कर जाए किसी के साथ सोए और मैं उसे पत्थरों की सजा दूं। फिर दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, यहां एक यूरोप में लड़की और लड़का खुशी से के साथ वादा वहीद करके अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, ये हराम है, ये हराम है जो इस्लाम की शरीयत कहती है।
और वहां जबरदस्ती शादियां की जाए, औरत के हकूक मारे जाए, वालदेन लड़की की तकदीर का फैसला करे, आदमी चाहे कि उस औरत के साथ जो चाहे करे, वो बेचारी राजी है या नहीं राजी है, जबरदस्ती या शादियां होती है, ये हलाल है, ये हलाल है, इसकी शरीयत आजादी देती है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आता हूं कि अगर उस वक्त वो चले जाते ईसा रोम में, तो जमहूरियत का दौर वहीं से शुरू हो गया था। सवाल उठता है कि ये शरीयत कहां से शुरू हुई। इस शरीयत के दो अनासिर हैं, एक वजह बनी फरिश्तों की कि वो इंसान की रेल जो है वो पटरी से उतर गई थी, उसको चढ़ाना चाहते थे ताकि रूहानियत शुरू हो। एक जो है अनासिर जो जिम्मेदार है वो नबी है। मूसा ने जो शरीयत की उस सोसाइटी के माहौल के मुताबिक उसने एक निजाम बनाया, कानून बनाया, लॉ एंड ऑर्डर बनाया उसने। यही काम मोहम्मद ने किया। अब हालात बदल चुके हैं, अब हम कई हजार साल बाद इस 21st century के अंदर हम आ गए हैं। अब जबकि खुदा के बादशाहत की निजाम की बुनियाद डाली जा रही है, तो उसका निजाम जो है वो जमहूरियत पे होगा। जो खुदा ताला ने मुझे बताया है वो ये है कि ये जमहूरियत अभी तो नाकस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100 साल बाद यही दिमागी जमहूरियत जो है ये जमीर की रोशनी पाकर खुदा की मोहब्बत की दुनिया में दाखिल हो गई। इमोशनल आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं, एक नया नजरिया शुरू होगा जो जमीर की रोशनी और मोहब्बत इलाही पर उसकी बुनियाद होगी। तब ये जो जमहूरियत का निजाम है ये हल्का भी हो जाएगा, और जूं जूं जराइम कम होते जाएंगे वूं वूं सजाएं भी हल्की होती जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जब निजाम जमीर की रोशनी के अंदर, जैसे आपके जमीर में रोशनी है, जाग रहा है, आपको पुलिस की जरूरत नहीं, अदालत की जरूरत नहीं, आपका जमीर खुद ही फैसला कर देता है। लेकिन अब हालात ये हैं कि जमीर कुछ कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं। तो आने वाला निजाम जो है जमीर की रोशनी का, खुदा की मोहब्बत का इलाही निजाम है, उसमें ये जब जमहूरियत पहुंचेगी तो ये अल्लाह की मोहब्बत में रंगीन हो जाएगी, एक नए निजाम की बुनियाद पड़ेगी जो माफी, रहम और मोहब्बत इलाही पर होगा। और रफ्ता रफ्ता इंसान कामिल इतनी दूर चला जाएगा कि वो अपना हिसाब किताब करने के लिए खुद ही होगा, उसे किसी पुलिस की, किसी अदालत की, किसी गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जमहूरियत, ये जमीर की रोशनी और ये मोहब्बत इलाही जब एक संगम पे मिलेंगे, तो ये वो निजाम है जिसका खुदा ने कहा था कि जमीन खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी और इंसान उसकी कदर कीमत को पहचान लेगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज। इश्क लेडीज, दस ओके।